आज कैंसर का मूल कारण हमारे खान पान में केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों का बढ़ता उपयोग है। साथ ही केमिकल फर्टिलाइजर के लगातार उपयोग से जमीन भी खराब हो रही है। प्रतिस्पर्धा की दौड़ में केवल ये बताकर कि उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग नहीं करें, इसके नुकसान ज्यादा है, काम नहीं चलने वाला। इसके लिए हमें किसानों को ऐसा विकल्प देना होगा जिससे उत्पादन भी ज्यादा हो और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी ना हो। इसी सोच को लेकर नागौर में प्रोम खाद बनाई जा रही है। यह खाद केमिकल फर्टिलाइजर की बजाय अधिक उत्पादन देने वाला और 100% जैविक है। नागौर में बीकानेर रोड पर SRM प्लांट के नाम से प्रोम यानी फास्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर खाद तैयार करने का प्लांट है। जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर के कृषि मेलों में अपनी स्टॉल लगाकर वो अपनी प्रदर्शनी भी करते हैं। 1 से 3 मार्च तक दिल्ली के पूसा में हो रही राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भी स्टॉल लगाई है। बात करते हैं रसायन की। रसायन जो ऑर्गेनिक जो ये सर आपका DAP और ये यूरिया है, जैसे कि पंजाब से कैंसर की ट्रेनें आ रही है और खूब सारा केमिकल उपयोग हो रहा है और सबको पता है कि ऑर्गेनिक खेती करने से ही इसका सॉल्यूशन हो सकता है, तो उसकी पहल के लिए ये ही चीज़ है जो ज़मीन की गुणवत्ता को बढ़ाएगी, आने वाले दिनों में मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगी। तो मैं किसानों से ये कहना चाहूँगा कि अगर DAP को छोड़ के आप इस प्रोम खाद को उपयोग में करें, और हमने अपने फर्म का SRM ऑर्गेनिक हमारा फर्म का नाम है और हम अतुल्य नाम से हम प्रोम बना रहे हैं, तो इसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। हम इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रोम दरअसल मिनरल उर्वरक और जैविक खाद का मिश्रण है। ये बुआई के समय मिट्टी के लिए बुनियादी पोषण भोजन के रूप में कार्य करता है, मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, फास्फोरस नाइट्रोजन और कार्बन मिट्टी की चमक और नमी को बनाए रखता है, भूमि की उर्वरता को जीवित रखता है, चल जैविक कार्बन फसल की वृद्धि की कार्यक्षमता में सुधार करने में मदद करता है, अम्लीय और विषाक्त होने से रोकता है, मिट्टी की जलधारण क्षमता में सुधार करता है, उत्पादकता में सुधार करता है। मयूर जैन के छोटे भाई ने बताया कि प्रोम खाद तैयार करने के लिए सबसे पहले गोबर को कंपोस्ट किया जाता है। इसमें 35 दिन का समय लगता है। इसके बाद तैयार कंपोस्ट में मशीन के माध्यम से रॉक फास्फेट मिनरल मिलाया जाता है। अंतिम चरण में दूसरी मशीन से दानेदार प्रोम खाद बनाई जाती है। प्रोम खाद की बाजार कीमत करीब 2,000 रुपए क्विंटल है। आज हम आए हैं नागौर के बीकानेर रोड स्थित SRM फर्टिलाइजर प्लांट पर। यहाँ नागौर के युवा जो मयूर जैन नाम है जिनका, इन्होंने पहले तो केचुआ खाद का एक प्लांट लगाया था और अब एक नवाचार करते हुए यहाँ पे जो प्रोम खाद है, गोबर और रॉक फॉस्फेट को मिलाकर जो खाद बनती है, ये खाद यूरिया से और DAP से कहीं ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। साथ ही आमजन को जो नुकसान यूरिया और DAP से होता है, वहाँ इसका 1% भी हानिकारक नहीं रहेगी ये, और फसलों के लिए उतनी ज़्यादा फायदेमंद होगी। हम उनके छोटे भाई हैं नितेश जैन, इनसे बात करेंगे। थोड़ा बताइए इस खाद के बारे में और किस प्रकार से आपने ये प्रेरणा मिली और आपने जो लगाया है, कितना आप उत्पादन एक दिन में या महीने में कर रहे हैं? सर, ये प्रेरणा तो मेरे भाई की है, क्योंकि मैं इस फील्ड से एकदम ही नॉलेजफुल हूँ। मेरे भाई आज 3 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आज भाई को लगा सब किसान के लड़के भी ये काम नहीं करते, जो हम जैन है हमारे ये काम नहीं है, जीव को पैदा करना ये सब काम हमारे हम लोग का नहीं है, हम लोग चाहते हैं जीव बचे। पर मेरे भाई ने जीव का काम किया, उससे आज प्रोम DAP एक तरह के DAP के नाम से होता है, इससे आज पंजाब पूरा शहर कैंसर से है। एक घर में जाओगे आपको 1 से 2 व्यक्ति कैंसर से मिलेंगे, पूरी ज़मीन वहाँ की नष्ट हो चुकी है। DAP से ये सब बीमारियाँ नहीं होती और ये ज़मीन को उपजाऊ बनाती है, और मिट्टी की मुलायम, जैसे DAP डालने से धरती कड़क पड़ जाती है, वो ये सॉफ्टनेस रखता है। जैसा रितेश जी ने बताया, आजकल जो पंजाब में कैंसर का जो रोग बढ़ रहा है, उसका मुख्य कारण जो फसलों में फर्टिलाइजर जो यूज हो रहे हैं, DAP और यूरिया केमिकल और अंधाधुंध जो कीटनाशक है उनसे हो रहा है, तो उसका निदान निकालने के लिए इन्होंने, जैन बंधुओं ने जो नागौर में एक बीड़ा उठाया है,
ये निश्चित तौर पे एक बड़ा कदम साबित होगा। नागौर से कैमरामैन चंद्रशेखर वर्मा के साथ श्यामलाल, पत्रिका राजस्थान।